सो गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो आपको फिर से स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको ICICI मोबाइल पे से कैशबैक नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। गाइस यहाँ पर तो मेन छोटा एक अपडेट है, अगर आपको वो पता नहीं है तो बहुत लोग को पता है लेकिन कुछ कुछ लोग का अभी तक नहीं पता, वो है यहाँ पर आपको 251 करके भेजना है। ठीक है, आपको 101 करके अगर भेजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड जो पॉइंट है जिसके लिए आपको नहीं मिल रहा है वो है अगर आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ऐड है। ठीक है, एक अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड किए हो और वहाँ पर उस बैंक अकाउंट पे आपको 2000 या 2500 ऐसा करके कैशबैक मिल गया है, 2500 या 2000 ऐसे मिल गया है तो आपका वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम देख रहा है कि आपको कैशबैक नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा पहला था पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड किया था, वहाँ पर मुझे 2500 करके मतलब 2500 मुझे कैशबैक मिल गया था। 2500 मिलने के बाद मैंने नोटिस किया और मुझे कैशबैक नहीं मिल रहा है, 2 हफ्ता तक कैशबैक नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर आया, यहाँ पर माई UPI ID पर आया, यहाँ पर आके मैं न्यू अकाउंट पे क्लिक करके मेरा इस मोबाइल नंबर पे और एक बैंक था SBI, ठीक है, उसको मैंने ऐड कर दिया और उससे ट्रांजेक्शन चालू किया ट्रांजेक्शन करना। तो जिसके बाद मैंने कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया फिर से मेरा कैशबैक मिलता जा रहा है और वो कैशबैक मिल रहा है मेरा जो SBI बैंक अकाउंट न्यू लिंक किया है वहाँ पर मुझे कैशबैक मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर दो बैंक अकाउंट है पहले से जो किए हो उसको छोड़ के और एक बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिए अगर उस मोबाइल पे दो बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो सेकंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर माई UPI ID पे आने के बाद जैसे कि देख सकते हो आपको क्या करना है, जिस सेकंड वाले जो आप बैंक अकाउंट ऐड किए हो उसके ऊपर सेट प्राइमरी बैंक इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया देख सकते हो SBI पे ऊपर कर दिया, सेट प्राइमरी बैंक पे क्लिक करने के बाद हरा कलर का हो गया प्राइमरी ऐसे करके लिखा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह रात 12 बजे से बात और सुबह 8 बजे से पहले आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। तो गाइस मैंने नोटिस किया ऐसे ही करके मिलता है, नहीं तो अगर लेट कर दोगे 10,000 पूरा हो जाएगा और आपको कैशबैक भी नहीं मिलेगा। 10,000 फास्ट 10,000 लोग को देता है कैशबैक, जो फास्ट 10,000 लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बाद किसी को नहीं दे रहा है, वहाँ पर लिखा भी है टर्म एंड कंडीशन पे। तो गाइस सुबह 8 बजे से पहले कर लेना या रात 12 बजे के बाद कर लेना जिससे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा गाइस। और एक गाइस अनलिमिटेड ट्रिक है जिसको देखने बाद आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए गाइस, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपका अगर दो सिम है, ठीक है, दो सिम है सबके पास ही रहता है दो सिम, तो पहले सिम पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है या उस सिम पे आप बैंक अकाउंट लिंक करके आप तो कर रहे हो ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपका सिम पे, अगर आप बाबा मामी पापा उसके पास कोई सिम है और वहाँ पर उसका बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना जो मोबाइल पे है इसका क्लियर डेटा कर लेना है। यहाँ पर आके सेटिंग पे आके गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद आपका जो मामी पापा है उसका बैंक अकाउंट अगर है उस सिम पे तो गाइस उस सिम को आपको मोबाइल पे इंसर्ट कर देना है। उस सिम को इंसर्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वापस साइनअप कर लेना, साइनअप आपका नहीं है तो साइनअप कर लेना आपका मामी पापा का नंबर से और उसका जो पैन कार्ड है वो दे देना। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो मामी पापा है उसका सिम से आप ट्रांजेक्शन करना चालू कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका मामी पापा जो सिम अकाउंट है, सिम का जो अकाउंट है और अपना जो अकाउंट है दोनों के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, माने मतलब आपका जो अकाउंट है उससे आप मामी पापा का अकाउंट पे भेज देना पैसा और सेकेंड बार सिम बाहर करके आपका मामी पापा का सिम अंतर कर देना, उसके बाद आपका मामी पापा का अकाउंट से आपको आपके अकाउंट पे भेज देना, ऐसे करके आपका पैसा आपके पास ही रहेगा और जो कैशबैक दोनों अकाउंट पे मिलेगा। अगर तीन सिम है तीन सिम पे करो, चार सिम है चार सिम पे करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो दो अकाउंट पे लूट रहा हूँ गाइस, पहले तो मैं इसका क्लियर डेटा कर देता हूँ, मेरा मम्मी का एक अकाउंट है उसको इंसर्ट करके मैं वहाँ पर भी लूटता हूँ। तो इस ट्रिक को अगर अच्छा लगा गाइस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मस्ट हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके रहना क्योंकि ऐसे न्यू अपडेट या ट्रिक आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।